ओ हेलो, एक क्वेश्चन का जवाब दे। तुझ में और मुझ में पागल कौन, जल्दी बता। हाँ बोली, देखो ओ बोली। एक बार और, एक बार और, एक बार और। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन। तुझ में और मुझ में बकरी कौन, जल्दी बता। अरे अकड़ मत, जल्दी बता। हाँ बोली, देखो बोली। ये राइट आंसर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शेरपाल सिंह और आप देख रहे हैं शेरपाल सिंह व्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जाएंगे अपने मामा के यहाँ यानी कि गांव, और वहाँ पे देखेंगे क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है इस लॉकडाउन में, क्योंकि सभी फसलें कट चुकी हैं और जो अनाज है वो घरों में इकट्ठा हो गया है, कुछ अनाज मंडियों में विक्रय हो चुका है। बाकी अब इस समय गाँव में क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है गाँव की, वो चल के देखते हैं और एंजॉय करिए आप इस वीडियो को। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक और बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखो, देखो, देखो। पाउट दो। अब चल रहे हैं हम खेत को और अब दिखाते हैं आगे क्या हो रहा है खेत में हमारे। और बाकी यहाँ आके देख लो, खेत तो पूरे कटे पड़े हैं। और भाई आज हम भी ट्राई कर रहे हैं दया भाई की तरह साइकिल में व्लॉगिंग करने की। अगर पसंद आए तो लाइक कर दियो और देखो आगे क्या हो रहा है। खेत पूरे कटे डले हैं, बस एक खेत में एक ही काम हो रहा है अब इस समय, ईंटों की पथाई ज़्यादा चल रही है। और देखो वहाँ पे चल के दिखाते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे, और आगे खेत में दिखाएंगे क्या क्या है हमारे खेत में। ये है खेत में छोटा सा एक ट्यूबवेल, और इससे पूरे चारों तरफ खेतों में सिंचाई होती है। जितने भी यहाँ पे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको, सब में सिंचाई इसी ट्यूबवेल से होती है। और ये है मामा का है, और यहाँ पे कुछ फसलें बोई हुई हैं, टमाटर है और बैंगन भी है, पालक है, ये सभी फसलें बोई गई हैं। और यहाँ पे अगल बगल चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ये आपको पीछे दिख रहा होगा, ये इधर धुआं है, ये ईंटों के भट्टों का धुआं है जो कि लगा दिए गए हैं, पक जाएंगे 15-20 दिन में तैयार हो जाएंगे। और आगे आज हमारे खेत में थोड़ा वैसा कार्यक्रम चल रहा है हवन का, नाना हमारे पूजा कर रहे हैं खेत में वही। चलिए आगे दिखाएंगे आपको। हाँ तो भाई अभी यहाँ पे चल रहा था पूजा का कार्यक्रम था, उसके बाद से ये पूरे घर का खाना चल रहा था, पिकनिक चल रही थी एक तरह से खेतों में। अब चलते हैं आगे, आपको ईंट के भट्ठे दिखाते हैं जो खेत में लोग ईंट पाते हैं घर बनवाने के लिए, वो आपको भट्ठे दिखा रहे हैं चल के। ये भट्ठे फसल कटने के बाद बनाते हैं लोग बाग खाली समय में, क्योंकि सभी को ज़रूरत होती है घर बनवाने के लिए। तो यहाँ पे लोग कम लोग खरीदते हैं जो नहीं पाते, बाकी सब लोग ज़्यादातर पाल लेते हैं। यहाँ पे तीन भट्टे हैं, एक दो तीन, ये एक। और यहाँ पे देखिए पेड़ बहुत सारे लगे हैं, दो आम के लगे, एक ये बीच में ये टूट गया है आंधी में। और यहाँ की एक और बात, यहाँ पे सभी खेतों में पेड़ लगे हैं, किसी चीज़ के पेड़ लगे हैं। और हमारे खेत में वो महुआ का पेड़ लगा हुआ है, मधुका इंडिका, और हमने भी दो पेड़ लगाए थे सागौन के, और जो कि 3 साल पहले लगाए थे। अब इस साल और भी हम सोच रहे हैं कि बरसात आए तो और भी पेड़ लगाएं, वो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, तो आपको भी चल के दिखा रहे हैं। और यहाँ का यही सीन है, अभी आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं आगे। Thank you.
पेड़ लगाए थे, ये हैं सागौन के दोनों, ये इनको 3 साल हो गए यही हैं। और ये देखो ट्यूबवेल चल गया है, ये पीछे पानी निकल रहा है इससे, पानी भरने के लिए, पीने के लिए भरना है यहाँ से, और कुछ सिंचाई के लिए भी है। तो ये देख लो ट्यूबवेल चल रहा है। अरे दोस्तों देखो कटहल, कटहल का पेड़ इसमें लगे, देखो वो लगा है ठीक है, और इसमें कई सारे लगे हैं। फ्रेंड्स ये हैं ईंट, ऐसे पात के डाली जाती हैं पहले सूखने के लिए, फिर इसके बाद इनको ऐसे ढेर लगा दिया जाता है, मतलब गर दिया जाता है इनको, फिर उसके बाद ये देखो ये भट्टा लगा, ये इसमें कुछ ईंटें पक गई लाल लाल सी दिख रही, और ये आज की बात ही हुई है सुबह, और इसके बाद में इनको सबको जब सूख जाएंगी तब फिर बाद में इनको भी भट्टे में लगा दिया जाएगा। लकड़ी ये देखो लकड़ी डली अभी और आएगी, फिर इसके बाद में ये भी पक जाएंगी और इनको यूज़ में ले लिया जाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं अपने गांव से वापस अपने घर, और आपको हमने वीडियो में सब कुछ दिखाया, जो हमने वहां पे देखा और जो किया वो सभी दिखाया आपको, आपने एंजॉय किया। अगर आपने एंजॉय किया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और अब आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लियो।